24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से होगी फुसरो जहर की निगरानी, उपायुक्त ने कही। जनता के सहयोग से बैरमो अपराध मुक्त होगा, एसपी ने कही। सीसीटीवी कैमरे से अपराध रोकने में मदद मिलेगी, विधायक ने कही। बोकारो जिला प्रशासन द्वारा फुसरो शहर के सभी चौक चौराहों और प्रमुख पथों लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का बैरमो थाना स्थित पुलिस केंद्र पर स्थापित कंट्रोल रूम का बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी, एसपी चंदन झा, बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने विधिवत उद्घाटन किया। अपराध पर लगाम लगाने और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से शहर के चिन्हित 11 स्थानों पर कुल 27 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसमें चौक चौराहों पर पेन टिल और बुलेट कैमरा लगाया गया जो रिमोट डायरेक्शन और जूम कंट्रोल वाला क्लोज सर्किट कैमरा है। वहीं अन्य स्थानों पर हाई रेजुलेशन कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की जद में अब फुसरो शहर के फुसरो, चंद्रपुरा, जेनामौर, गोमिया, डुमरी रोड सहित अन्य प्रमुख हिस्से होंगे। मौके पर उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे पूरे शहर तथा शहर को जोड़ने वाली प्रमुख पथों की निगरानी की जाएगी। जनता के सहयोग से बैरमो को अपराध मुक्त किया जाएगा। विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा से अपराध रोकने में मदद मिलेगी। संचालन डीएसपी सतीश चंद्र झा ने किया। मौके पर डीसी कीर्ति, श्री एसडीएम अनंत सिंह, थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह व शैलेष कुमार चौहान, सीओ मनोज कुमार, नव चेयरमैन राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष छेदी नोनिया सहित कई लोग उपस्थित थे। और लगभग सभी फेस्टिवल्स में सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके द्वारा अपना जो सेलिब्रेशन होता है उसमें जुलूस के माध्यम से या यात्रा के जो कि पूरे रिमोटेस्ट एरिया में भी जाके वहाँ से कवरेज कर सके और चीजों का नियंत्रण हम लोग उसको प्रभावी रूप से कंट्रोल रूम के माध्यम से रख सके। पुलिस और प्रशासन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और निश्चित तौर पे जब कभी भी हमें ऐसे अवसर मिलते हैं या सूचना या अनुशंसा प्राप्त होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जिले में उपलब्ध जो भी संसाधन है उनके माध्यम से हम लोग खास करके तो पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए या वहाँ पर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राशि का उपयोग करके विकास कार्य कर सकें। पुलिस ग्राउंड को लेकर हम उनके लिए मैदान में कुछ परेशानी है, सड़क की भी दिक्कत है तो हम लोगों ने प्राथमिकता को के तौर पर उसको लिया। पुलिस लाइन में हमारे यहाँ पर मैदान में कुछ उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, उसको भी हम लोगों ने जिला के माध्यम से सुधारने का